नमस्कार, शिला फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम एक सिंपल टॉप डिजाइन करेंगे, ठीक है। ये है हमारा कपड़ा, हमारे टॉप की लंबाई 24 है तो हम 26 ले लेंगे। ये हमारा टॉप की हमने लंबाई लेनी है, ऐसे फोल्ड करके इसको, इसकी लंबाई लेके और काट देंगे, ठीक। अब ऊपर से लेंगे तीरा, यह 7.5, और यहाँ पे मुड्ढे भी 7.5 लेंगे, और कमर है 14.5 पे, 14.5 पे, ठीक। यहाँ पे भी ऐसे ही हमने ड्राफ्ट बनाना है, 7.5 और 14.5। अब इनको मिला देंगे, हमने तीरा 7.5 लिया है तो यहाँ पे भी हम पहले तो 7.5 ही लेंगे, 7.5, 36 है 9, यहाँ पे बच गया हमारा 10.5, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ऐसे ही कमर लेंगे, कमर है 7.5, 9, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। हिप्स हैं इसके 9.5 और 1.5 इंच बच गया, ठीक है। अब इसको हम मिला देंगे, ऊपर से शुरू करेंगे इसको मिलाना, यहाँ से मिला दिया, एक तो तरीका है हमारा ये, और एक तरीका है ये सिपर होता है ना हमारा ये, इसको यहाँ रखो और यहाँ पे मिला दो, इसकी कमर जैसे यहाँ पे आती तो यहाँ पे ऐसे इसको रख के पहले तो ऐसे मिलाओ, यूँ, ठीक है, गोलाई के लिए, और फिर ये यहाँ से कमर यहाँ पे है ना, तो कमर इस तरह रखेंगे और ये यहाँ पे गोलाई करेंगे ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे गोल गोल सी शेप आ जाती इसकी, ठीक है। दो तरह से होगा, यहाँ पे हम गोलाई करेंगे ऐसे, बिल्कुल थोड़ी सी गोलाई होगी यहाँ पे, हो गई। ऊपर से हम ये 7.5 था ना, तो ये 1.5 इंच की ऊपर ढलान होता है, तीरे का ढलान है, ठीक। और यहाँ देखते हैं हमारा नेक कितना तैयार करना है, हमने नेक करना है इसका 3.5 का, ठीक है, 3.5। बाकी बच गया ये हमारा, इसको हम ऐसे मिला देंगे, हमने बोट नेक में बनाना है इसका आगे वाला, ठीक है। अब इसकी कटाई करेंगे, काट लेंगे इसको, ठीक। अब ये निशान दूसरी साइड में हमने लेकर जाने हैं, तो ये हमारी जो गिरारी होती है ना, इसकी मदद से करेंगे ऐसे ऐसे, इसको प्रेस करेंगे अच्छे से, तो ये हमारे गिरारी के निशान इस साइड में भी आ गए हैं, आ गए ना, ये देखिए बिल्कुल, ये तो हमारा होता है जो हमने निशान लगाने होते हैं उसके लिए, नीचे का हो गया। अब ऊपर की जो छटाई है ये करते हैं, जो ये 1.5 इंच की थी ना, ढलान होता है तीरे का, ये वो है, ये इसकी आगे आगे के पार्ट की छटाई नहीं होती, जब हम इस तरह का टॉप तैयार करते हैं आगे की नहीं होती। अब इसकी नीचे की है 1.5 इंच की, ये नीचे है ना, यहाँ पे गोलाई घेर में गोलाई होती है, ये 1.5 इंच की है, ये कहाँ मिलती है, ये हमारी जो टोटल उसको हाफ करते हैं, ये 10.5 है तो 5.25 हो गया हमारे, यहाँ पे 5.25 पे इंसान लगाएंगे और चौक से ऐसे गोलाई करेंगे इसकी, ठीक है, ये गोलाई ऐसे, ठीक है, ये हमारा टॉप हो गया कट के कंप्लीट, ठीक है। अब इसके हम स्टिचिंग करेंगे, इससे पहले हम आगे वाले पार्ट के और पीछे वाले पार्ट के, मतलब जो गले हैं उसकी छटाई करेंगे। आगे वाला बनाएंगे हम
यहाँ पे ले लेंगे 5 का, और ये है 3.5। इसको मिला देंगे ऐसे, ठीक है, इसकी छटाई कर देंगे। तो हो गया आगे वाला, ये तो आगे वाले पार्ट की होगी गले की। अब पीछे वाले की, पीछे वाले का करेंगे हम 3.5 बाई 3.5। 3.5 तो हो गया ऊपर से, और नीचे भी 3.5 की ही गहराई करनी है हमने। ये हमारा पीछे वाला, अब हम स्टिचिंग शुरू करेंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट है आगे वाला, ठीक है। ये है उल्टा और ये है सीधा। इस पे अब हम 1-2 इंच की पट्टी लगाएंगे ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी। यहाँ से शुरू करेंगे, वो इस पे पूरे पे लगाएंगे ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा हल्का सा एक पैर का ऐसे दबा देंगे यहाँ पे, और जो हमने निशान लगाया ना, बिल्कुल इस पे सीधा सिलाई लगा देंगे ऐसे। पूरी सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे ऐसे। ऐसे जो नीचे से सिलाई लगाए ऐसे ऊपर लगाएंगे, ऐसे आराम से इसको एक पैर का ही दबाएंगे यहाँ पे भी। ऊपर भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। ठीक है, लग गई। अब मोटे जोड़ लेंगे, मोटे जोड़ेंगे पहले एक साइड से, ये जो हमारा फालतू का कपड़ा इसको निकाल देंगे ऐसे, जो मैंने पट्टी लगाई है ना ये उसमें से है। दोनों साइड में होगा ये है। अब ये सीधा है, इसके ऊपर एक साइड से मुड़ा अटैच करेंगे। ये हमारा बैक है, ये बैक है, पहले ये सिलाई लगा लेंगे। Thank you.
अब ये एक साइड का गला, ये हमारा पीरा अटैच हुआ है। अब ये पूरे गले में यहाँ पे हम रेप की पट्टी लगाएंगे, ये हमारा नेक है ना, इसमें एक ही पट्टी लगेगी, ठीक है। ये हमारा नेक है, इस पे हम रेप की पट्टी लगाएंगे, ठीक है। ये एक साइड से अटैच किया और एक से ये नीकर रखा है, और ये हमने एक साइड से कर रखा है। यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा घुमा के लेके आएंगे आगे और पीछे दोनों नेक्स में, नेक में एक ही बार हो जाता है ये राउंड। हल्का सा नीचे वाले कपड़े को खींचेंगे और इसको बिल्कुल आराम से एक पैर दबाएंगे, बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगानी है। गोलाई है ना, तो आराम आराम से गोलाई को खींचती आराम से रखें, जल्दबाजी ना करें वरना तो फिनिशिंग नहीं आएगी। पूरे गले में ऐसे ही घुमा लेंगे। ये लग गया, अब इसको हम अटैच कर लेंगे। ये हमने लगा ली ना पट्टी, अब ये अटैच करेंगे इसके साथ, यू जो हमने पट्टी लगाई थी ना, इसको भी ऐसे इसके साथ ही अटैच करेंगे। जो हमने एक एक तो तीरा एक साइड से तो हमने अटैच कर लिया था, दूसरा जो बचा था वो ऐसे करना है। अब हमारी जो ये पट्टी है इसको ऐसे अंदर की साइड में पूरी फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है, जो बैक में लगाते हैं ना ऐसा इसमें फ्रंट में भी लगाई है हमने ये। तो यहाँ पे इसको ऐसे कर, ऐसे ही पूरे गले में हमने जो लगाई है ना ये सिलाई, यही सिलाई लगा लेंगे अब इसको, ठीक। गले में हमने ये सिलाई भी लगा दी, लग गई। अब हम मुड्डे पे पट्टी लगाएंगे जो हमने गले पे लगाई ना, ऐसे ही ऐसे करके इसको, और ये हमारी पट्टी लेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, इसको भी लगा देंगे ऐसे ही।
लग गई हमारी पट्टी ऐसे, जो हमने नेक पे लगाई थी ना ऐसे हमने पट्टी लगा दी है। अब इसमें हम थोड़े थोड़े कट लगा के अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे जैसे हमने ये नेक वाली की है, ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरी बाजू भी तैयार कर देंगे। अब इसको फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी पट्टियाँ लग चुकी हैं, ये भी है, ये वाली तीन हो गई कंप्लीट। अब हम फिटिंग लगाएंगे। अब हमारा नीचे से फोल्ड करना रहेगा, अब नीचे से फोल्ड करेंगे। ये फिटिंग लग गई दोनों साइड में, यहाँ पे भी लग गई, यहाँ पे भी लग गई। अब नीचे से फोल्ड करेंगे, ये हमारा यहाँ से शुरुआत करेंगे। सिर्फ एक पैर की दबाएंगे, ये हमारा गियर है ना। जिन दबाते वक्त जब रेब होती है ना, गोलाई होती है, तो नीचे वाले कपड़े को ऐसे खींच के और ऊपर वाले को ऐसे आराम से इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। नीचे वाले को हल्का सा खींच के ऊपर वाले को आराम से इसके ऊपर रखते चले जाएंगे और ये अपने आप फोल्ड हो जाएगा। देखिए वो रहे ना अपने आप, ये देखिए यहाँ से खींचेंगे तो ये फोल्ड हो जाता है ऐसे। ये अपने आप गोलाई बन जाती है जब हम नीचे वाले को खींच के ऊपर वाले को रखते हैं ना ऐसे, ऑटोमेटिक गोलाई बननी शुरू हो जाती है। पूरे गियर को ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा नीचे से कंप्लीट हो चुका है फोल्ड होके, टॉप नीचे से भी। अभी हमारा सिल के तैयार है, ये हो गया हमारा टॉप सिल के तैयार। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। ये दो हमने बटन लगा दिए हैं इसके ऊपर, इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी और अच्छी बनाने के लिए, ठीक है।